हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सेट लॉक स्क्रीन वॉलपेपर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये पोको का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। तो क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, जैसे कि मेरा ऊपर की साइड ही है, और आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। तो वॉलपेपर पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये आइकन शो करेगा। आपको इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, और इस वॉलपेपर के लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में नेट ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए आपके फ़ोन में, या फिर वाईफाई। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हैं आपको वॉलपेपर दिखाई जा रहे हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी वॉलपेपर चूज़ करके वहाँ पे चेंज करने के लिए लगा सकते हैं लॉक स्क्रीन पर। डाउनलोड वॉलपेपर कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर आ गया फ्यूज़, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर है ये डाउनलोड हो रहा है, इसे डाउनलोड होने दें फ्रेंड्स। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, ये फ्रेंड्स हो नहीं रहा है तो हम कोई सा चेंज कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, हम ये वाला चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते ही आपको दिखा रहा है सेट एज लॉक स्क्रीन, सेट एज होम स्क्रीन, सेट एज बॉट। बॉट का मतलब होता है फ्रेंड्स दोनों पर। तो सेट एज लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है मुझे, तो चेंज करना है क्योंकि मेरे को वॉलपेपर है लॉक स्क्रीन का। तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है, ये देखिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।